डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं रेप ऑफ द लॉक जो है उसकी जो लाइन नंबर 12 से 25 है, आज मैं उसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शॉर्ट ऑफ टाइमरस रे। सोल का मतलब होता है द गॉड ऑफ सन, द गॉड ऑफ ए सन। और वाइट कर्टन्स का मतलब यहां पे है कर्टन्स ऑफ द विंडो। शॉर्ट का मतलब है स्प्रेड। अ टाइमरस रे, टाइमरस होता है वीक सी, रे मीन किरण। तो सुबह का टाइम था, सूरज निकला और उसने एक हल्की सी जो है वो जो शुआ है वो ब्लिंडा के कमरे में फेंकी। And opened those eyes that must eclipse the day. Opened का मतलब open की, खोली। Those eyes that must eclipse the day. Eclipse होता है dazzle कर देना, चुंधिया देना। और सूरज की किरणें पड़ने से ब्लिंडा जो है वो जाग गई और उसकी खूबसूरत चमकदार आंखें खुली। और वो इतनी चमकदार आंखें थीं कि सूरज भी, सूरज की रोशनी भी उनके सामने मांद पड़ गई, एक्लिप्स हो गई। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग शेक। अब ये टाइम वो है जब ये लैप डॉग जो होते हैं, जो आगोश में रखे जाने वाले पालतू जो डॉग्स होते हैं, अब वो भी अपने आप को शेक देते हैं। मतलब ये है कि दे अवेक, वो जाग जाते हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। और सारी रात जो मोहब्बत के मारे हुए जागते हुए, यानी जो आशिक थे, इन्होंने सारी रात ऐसे गुजार दी। और पिछली रात जाके उनकी थोड़ी सी आंख लगी, तो अब ये वो टाइम है कि वो भी उठ जाते हैं। थ्राइस रंग द बेल, तीन दफा उसने बेल बजाई, यानी कि ब्लिंडा ने। द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, और फिर अपने पांव की जूती से जो है वो फर्श को नॉक किया, खटखटाया। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न द सिल्वर साउंड। और जो प्रेस्ड वॉच है, मतलब यह है कि उसके सरहाने जो घड़ी पड़ी हुई थी, जो वॉच पड़ी हुई थी, क्लॉक जो था, उसने उसके बटन को दबाया तो उससे जो आवाज निकली, सिल्वर साउंड। सिल्वर साउंड का मतलब है हैप्पी साउंड। यानी जब उसने घड़ी को दबाया तो उसने आगे से एक सिल्वर साउंड जो है वो प्रोड्यूस की। ब्लिंडा स्टिल हर डाउनी, डाउनी कहते हैं नरमो नाजिक सिलेंडर, पिलो, तकिया, प्रेस्ट। अभी उसने अपने चेहरे को दबाया हुआ था एक नरमो नाजिक तकिए के साथ। हर गार्डियन सिल्फ, तो उसका जो मुहाफिज सिल्फ है, यानी जो सिर्फ सिर्फ बेसिकली ये यूज ऑफ मशीनरी है। हर गार्डियन सिल्फ प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग का मतलब है तवालत दे दी, लॉन्ग कर दिया, तवील कर दिया। हर गार्डियन सिल्फ प्रोलॉन्ग्ड द बामी रेस्ट, बामी कहते हैं पुरसकून। तो ब्लिंडा का जो मुहाफिज सिल्फ था
उसने उसकी पुरसुकून नींद में इजाफा कर दिया। इट वॉज ही हैड समंड, समंड कहते हैं कॉल करना, बुलाना। इट वॉज ही हैड समंड टू हर साइलेंट बेड, ये वही उसका मुहाफिज सिल्फ था जिसने उसके पुरसकून खामोश बिस्तर में बुलाया। किसको बुलाया? द मॉर्निंग ड्रीम डेट होवर्ड ओवर हेड, सुबह का ख्वाब जो बिलिंडा के दिमाग में मंडला रहा था। यानी उसने बिलिंडा को एक सुहाना जो ख्वाब है वो दिखाया। और ख्वाब में क्या देखा? अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ, ग्लिटरिंग कहते हैं चमकदार, देन अ बर्थ नाइट व्यू। बर्थ नाइट व्यू, बर्थ नाइट का मतलब है कि जो रात को होने वाली जो पार्टीज होती हैं उसमें जो एक खूबसूरत नौजवान जो है जो सजा हुआ होता है उसको बर्थ नाइट व्यू कहते हैं। यानी एक एक आप यू कह लें कि वेरी ब्यूटीफुल लवर। अब बर्थ नाइट व्यू वो बिलिंडा ने ख्वाब में देखा। डेट इवन स्लम्बर, स्लम्बर कहते हैं नींद, यानी जो जो स्वीट स्लीप होती है उसको स्लम्बर कहते हैं। डेट इवन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो, कि उस बर्थ नाइट व्यू को बिलिंडा ने जब ख्वाब में देखा तो उसके जो जो उसका गाल था वो खुशी से चमक उठा। ग्लो, ग्लो का मतलब है चमकना। सीम टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स टू ले, विनिंग लिप्स का मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव लिप्स है। और ऐसे लगता था कि जैसे उस सिल्फ ने अपने जो खूबसूरत होंठ हैं वो बिलिंडा के कानों पे रख दिए हों। एंड दस इन विस्पर्ड सेड और सीम टू से, और इस तरह सरगोशी में वो कुछ कहते हुए दिखाई दिया। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज हमने ट्रांसलेशन की है लाइन नंबर 12 से लेकर 25 तक। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।